पहले जानते हैं कि शुक्र प्रदोष के दिन की महिमा क्या है। देखिए, शुक्रवार के दिन अगर त्रयोदशी की तिथि पड़े तो इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और उनके शिष्य शुक्र की उपासना की जाती है। इस दिन भगवान शिव और शुक्र की उपासना से सौभाग्य का और संपन्नता का वरदान मिलता है, साथ ही साथ लंबी उम्र का, दीर्घायु होने का वरदान भी प्राप्त होता है। जिनके भी विवाह होने में विलंब हो रहा है उनके लिए शुक्र प्रदोष का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष प्रयोग अगर किए जाएं तो इससे विवाह होने में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी, जिन लोगों की उम्र 20 साल से 25 साल के बीच की हो, वो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे। शाम के समय प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय का 3 माला यानी 108x3 बार जप करें और ये प्रयोग अगर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके कर दें तो आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं उनकी, जिनकी उम्र 31 से लेकर 35 वर्ष तक की है, वो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे। देवी को लाल चंदन की माला अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करें। इसी लाल चंदन की माला से एक मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करें 108x3 बार, आपको लाभ होगा। और जप करने के बाद या तो माला को अपने पास रख लें या तो माला को अपने गले में धारण। शाम के समय लाल कपड़े पहन करके भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। उन्हें एक रुद्राक्ष की माला पहना दें जो माँ पार्वती और भगवान शिव के गले में एक साथ जाए, यानी एक ही माला उन्हें पहना दें। इसके बाद एक मंत्र है, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करें। पूजा के उपरांत इस रुद्राक्ष की माला को धारण कर लें या अपने पास रख लें और ये उपाय प्रदोष की तिथि से शुरू करके आगे 27 दिनों तक करें, आपको लाभ हो।